मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित रोजगार मेले का मंडी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौशल विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह मानना है कि देश के युवा रोजगार प्रदाता बने। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना भी सुनिश्चित कर रही है, परंतु यह संभव नहीं है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक युवा को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है ताकि युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम उद्योगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए ताकि प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रशिक्षु को शीघ्र रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में 30 कंपनियां भाग ले रही हैं और क्षेत्र के कम से कम 2000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके घरों के नजदीक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने युवाओं से प्रतिस्पर्धा की भावना से उत्कृष्ट प्रदर्शन व कठिन परिश्रम करने का आग्रह किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नए विजन के साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया और उस दृष्टि से उन्होंने एक बात को कहा कि हमारा नौजवान सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी हो। एक तो उस दृष्टि से उन्होंने पूरे देश भर में इस प्रदेश में और पूरे देश भर में विकास को अधिक गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सरकार की ओर से हमारी कोशिश है कि सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवानों को रोजगार के माध्यम रोजगार देने के हम जो है माध्यम निकालें। जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं पा सकते वो निराश ना हो, हताश ना हो, उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देने का प्रावधान हमको सरकार की ओर से आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। उस दृष्टि से हमने जो है आज के इस कार्यक्रम जो हमारा जो ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है आगे बढ़ा करके इस मेले के माध्यम एक प्रयास है, एक प्रयत्न है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई है, मुझे जानकारी मिली कि लगभग यहाँ पर 30 कंपनीज के की ओर से जो है हमारे कंपनी के लोग आए हैं जो आज सुबह से शाम तक जो है अपने अपने अपनी कंपनी में किस आदमी का किस बच्चे को वो प्लेसमेंट दे सकते हैं, किस बच्चे को नौकरी दे सकते हैं, वो सारी औपचारिकताओं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने यहाँ आज के इस मेले में हमने लक्ष्य तो ये रखा है कि संभव हो सके तो 2000 का आंकड़ा हमको छूना चाहिए, 2000 तक जो है हमारे नौजवानों को यहाँ पर रोजगार। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1,50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगारोन्मुखी हों तथा प्रशिक्षण के तुरंत बाद युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के राज्य प्रमुख जितेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में आज तक 24,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।